हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घर में मौज कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास है न्यूली लॉन्च लेटेस्ट स्मार्ट वॉच DT100। ये भी 6 सीरीज वॉच है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले एंड लाइव वॉलपेपर। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, वॉच का बॉक्स कुछ इस तरह से है। लॉन्ग बॉक्स अपर राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे होंगे DT100 की बैजिंग दी गई है और 5 डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर दिए गए हैं। नीचे के साइड में देखा जाए तो वॉच की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि चिपसेट, स्क्रीन साइज, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम, वॉच साइज और पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब इसमें क्या कंटेंट आते हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच, चार्जर एंड मैनुअल। और ये इसका QR कोड है जो कि वॉच कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और राइट साइड में देखा जाए तो यह देख सकते हैं आप 44mm स्पेस एल्यूमिनियम केस दिखा गया है और लेफ्ट साइड में ब्लैक डॉट, जिसका मतलब है कि ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। तो चलो आप बॉक्स को ओपन करते कुछ आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ पे वॉच का डायल दिया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। इसमें देखते क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेल्ट है। बेल्ट की क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लग रही है, अब तक की जो वॉच थे उन सबसे इस बेल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक मैनुअल दिया गया है और 2-pin मैग्नेटिक चार्जर। अभी बढ़ते हैं वॉच की तरफ। A few minutes later, तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, वॉच दिखने में काफी कूल है। ग्लॉसी फिनिश में वॉच है, फुल स्क्रीन वॉच ग्लॉसी फिनिश के वॉच की। तो देखते हैं अभी वॉच दिखने में अच्छा है, उसके फीचर्स भी उतने अच्छे हैं। पहले वॉच को चालू करते तो वॉच चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे फुल स्क्रीन वॉच है। तो पहले देखते वॉच में कितने सारे वॉलपेपर से। ये रहा पहला वाला, दूसरा, तीसरा, जैसे आप देख पा रहे लाइव वॉलपेपर है ये, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, ये भी लाइव वॉलपेपर है। टोटल 11 वॉलपेपर से इसमें। आप इसमें अपना खुद का ओन वॉलपेपर भी रख सकते हैं, वो भी आपको मैं लिख के कहूँगा। तो देखते हैं अभी वॉच में कौन से फीचर्स अवेलेबल वो भी देखते हैं। तो ये वॉच का पहला व्यू है जो कि स्मार्ट स्टाइल, तो मैं इसको पहले ली स्टाइल में कन्वर्ट करके रखता हूँ। तो आप देख पाए तो ऑप्शन है टेलीफोन, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कॉल रिकॉर्डिंग, डाटा, स्पोर्ट्स, हार्ट रेट, ECG, ब्लड ऑक्सीजन, म्यूजिक, स्लीप, स्टॉप वॉच, वेदर, कैलकुलेटर, फाइंड माई फोन, मेट्रोलॉजिकल, ब्रीथिंग, मैसेज, लेडीज असिस्टेंसी, मेनू स्टाइल और सेटिंग। तो इससे कुछ ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो मैं आपको वॉच कनेक्ट करके दिखाता हूँ पहले। तो पहले के वॉचेस में वॉच कनेक्ट करने के लिए वॉच में ही QR कोड दिया जाता था। तो आप इस वॉच में डायरेक्ट QR कोड नहीं देगा, तो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था बॉक्स के नीचे QR कोड दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉक्स के नीचे QR कोड दिया गया है। या ये QR कोड स्कैन करके आपको ऐप डाउनलोड करना है, तो मैंने ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आप इसका ऐप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है वेयर प्रो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं ये रहा ऐप वेयर प्रो। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल स्टेप से आपको सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं आप डिवाइस करके ऑप्शन डिवाइस पे जाने का है, और यहाँ पे देख सकते हैं बाइंड डिवाइस, बाइंड डिवाइस पे क्लिक करने का है। तो ये ऐप आपको पहले ब्लूटूथ ऑन करने के लिए कहेगा, तो मेरा ब्लूटूथ ऑन नहीं था, मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद बाइंड डिवाइस करने का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट वॉच दिया है, क्लिक करने का है बस। तो यहाँ पे देख सकते मेरा स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो सका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंकिंग डाटा, सिंकिंग डाटा सक्सेसफुल, मतलब आपका वॉच टोटली कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसका वॉलपेपर सेट करके दिखाता हूँ। वॉलपेपर सेट करने के लिए बस आपको
आप यहाँ देख सकते हो वॉश फेसेस, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो वॉलपेपर्स है, इसके ऊपर एक पेन जैसा सिंबल दिया गया जो जिसका मतलब है एडिट। यहाँ पे क्लिक करना है, वापस यहाँ बीच में क्लिक करना है, कैमरा या एल्बम आप कहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एल्बम में जाऊँगा, गैलरी, तो यहाँ से मैं इसका बर्ड्स का फोटो सेलेक्ट करता हूँ। आप देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे बर्ड्स का फोटो, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बर्ड्स का। तो सेट करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्ट अपग्रेड, तो आप देख पा रहे हो अपग्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो अपग्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप, मैं आपको फोटो अपलोड होने के बाद मिलता हूँ। A few inches later. जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, मैं यहाँ पे मेरा वॉलपेपर सेट हो चुका है। आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने बर्ड्स का वॉलपेपर सेट किया है, और यहाँ पे आप देख टाइम पे दिख रहा है, डिस्प्ले टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है और डेट भी डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे स्टेप्स दिख रहे हैं आपने, 28 स्टेप अब तक मैं चल चुका हूँ, ये भी दिख रहा है। तो आप, मैं आपको इस ऐप में कौन से फीचर्स है वो दिखाता हूँ। तो पहला है हेल्थ, हेल्थ में आप देख सकते हैं स्टेप्स, मैंने आपको वॉच में दिखाया था 28 स्टेप अब तक मैं चल चुका हूँ, और इसमें मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी दिखाता है। स्लीप पॉइंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कितने देर तक सो चुके हैं, कितने डीप स्लीप है और कितने लाइट स्लीप लिए। बाद में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, ऐसे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। दूसरा है स्पोर्ट्स मोड में आप देख सकते हैं हमने कितनी कैलोरीज बर्न की, कितने माइल्स चले, कितना टाइम से खेल रहे या कितने टाइम से हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब दिखाता है। इसमें टोटल एक दिन, एक वीक और एक मंथ का सबका डाटा स्टोर होता है। दूसरा ऑप्शन डिवाइस में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वॉच फेस पुशअप, जहाँ से हम अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। दूसरा है फाइंड वॉच पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये वाइब्रेट होता है वॉच। कैमरा टू वेकअप, इनकमिंग कॉल, SMS, ऐप नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ कॉल, हार्ट रेट मॉनिटर, ECG, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट, मोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डेली अलार्म, सेडिमेंट्री रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर, रिमाइंडर मोड, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ्रेम वॉर वर्जन, यहाँ से हम अपने वॉच को अगर अपडेट आता है तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बाइंड माई डिवाइस, लास्ट है मी में आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने रेगुलर गोल सेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वॉच की तरफ। 2000 years later. तो अभी मैं आपको वॉच के कुछ फीचर्स डिटेल्स में बताता हूँ। तो पहला फीचर है टेलीफोन, यानी हम यहाँ से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा है मैसेज, यहाँ पे आप अपने मोबाइल में जो रिसेंट मैसेज है यहाँ से हम देख सकते हैं। तीसरा है कॉन्टैक्ट्स, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप सिंक करके, अगर आपको बिना मोबाइल के भी आप यहाँ से अपने किसी को भी कॉल कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलोरीज, लोकेशन और स्टेप्स, यहाँ पे तीनों चीज़ें रिकॉर्ड होती है। स्पोर्ट्स मोड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोप स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल। एचआर मतलब हार्ट रेट, तो हार्ट रेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप यहाँ देख पा रहे हो सेंसर ऑन हो चुके हैं, यहाँ से हम अपना हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ECG, ब्लड ऑक्सीजन, म्यूजिक, यहाँ से हम अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले, पॉज, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। स्लीप ऑल्टरनेशन, स्टॉप वॉच, वेदर, यहाँ से हम अपना वेदर का ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। कैलकुलेटर, फाइंड माई फोन, अगर हम अपना फोन कहीं रख के भूल गए तो यहाँ से हम अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, आपको आवाज आएगी। मेट्रोलॉजिकल, यहाँ से यूवी रेज और अपना एयर प्रेशर डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रीदिंग, मैसेजिंग, लेडीज असिस्टेंसी, मेनू स्टाइल, इसमें चार मेनू स्टाइल्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। पहला है लिस्ट, दूसरा है 12 प्लस मेनू स्टाइल, तीसरा है ग्रिड या उसको आप स्मार्ट स्टाइल भी कह सकते हैं, और फोर्थ है सर्कुलर स्टाइल। मैं आपको चारों स्टाइल दिखा दूंगा, तो वापस आते हैं अपने स्टाइल में। सेटिंग में आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डायल चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन टाइमिंग सेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन बढ़ाना है कम करना है वो देख सकते हैं, ब्लूटूथ फोन,
पासवर्ड भी लगा सकते हैं और फैक्ट्री रिसेट ऐसा लास्ट ऑप्शन है। तो मैं अभी आपको इसका 12 प्ले स्टाइल दिखाता हूँ। मैं स्टाइल सेलेक्ट किया तो आप ये देख पा रहे होंगे ये 12 प्ले स्टाइल सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसका आपको स्मार्ट स्टाइल दिखाता हूँ। तो ये इसका स्मार्ट स्टाइल, यहाँ से हम इसको जूम या जूम आउट भी कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये स्क्रोल वर्किंग वॉच है। मैं इसका लास्ट स्टाइल जो कि है सर्कुलर स्टाइल वो आपको दिखाता हूँ। आप ये देख पा रहे हो इसका ये लास्ट स्टाइल है सर्कुलर मोड में। ये स्टाइल ज़्यादा करके राउंड वॉचेस में सूटेबल होती है, स्क्वेयर टाइप वॉचेस में ज़्यादा करके सूट नहीं होती। तो वापस बढ़ते हैं अपने लिस्ट मोड पे। तो ऐसे कुछ फीचर्स थे वॉच में जो कि मैंने आपको बताए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वॉच परचेस करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक दूंगा जहाँ से आप इस वॉच को परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।